हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो है बिहार पुलिस के मेडिकल के बारे में। मतलब मेडिकल के बारे में बहुत लोगों को सस्पिशन रहता है कि बिहार पुलिस में अगर हम जाएं तो उसमें मेडिकल कैसा होता है, हार्ड होता है या मतलब बहुत लोग को ये भी लगता होगा कि मतलब सब चीज़ होने के बाद यानी मेरिट होने के बाद नौकरी होने के बाद छाट भी दिया जाएगा। ये मतलब इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी आपको दूंगा कि मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है, मेडिकल में छाटा भी जाता है कि मेडिकल में नहीं छाटा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, पूरी तरह से बता दूंगा आपको पूरा कन्फ्यूजन, जितना भी कन्फ्यूजन होगा मेडिकल से रिलेटेड वो सारे दूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखते हुए। तो चलिए वीडियो में बताते हैं कि बिहार पुलिस का मेडिकल कैसा होता है, क्या क्या टेस्ट किया जाता है, मतलब क्या क्या चेक किया जाता है। तो देखिए, ऐसा होता है कि मतलब बिहार पुलिस का जो मेडिकल होता है सब चीज़ होने के बाद होता है, यानी आपका रिटेन हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद आपका मेरिट आ जाता है। यानी आपका मेरिट आने का मतलब ये होता है कि आपका जॉब हो चुका है, उसके बाद मेडिकल होता है, यानी आप जहाँ ज्वाइन कर जाते हैं आपका जो ज़िला अलाउड किया जाता है कि हाँ आपको ये ज़िला मिला है वहाँ पे ड्यूटी करना है, तो वहाँ पे जाने के बाद आपका मेडिकल होता है, यानी आपकी जॉब लग चुकी होती है उसके बाद ही मेडिकल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होने वाला है मेडिकल में, यानी आपका जॉब हो चुका है उसके बाद मेडिकल हो रहा है। बिहार पुलिस में और भी सारे जितने भी जॉब है उसमें पहले मेडिकल होता है, मेरिट से पहले ही मेडिकल लिया जाता है, क्योंकि उसमें छाटने का मतलब होता है कि हाँ मेडिकल में अगर कोई प्रॉब्लम हो उसके यहाँ से हटा दिया जाए, मतलब जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन बिहार पुलिस में ऐसा नहीं है, बिहार पुलिस में ये होता है कि आपका मेरिट बन जाता है उसके बाद मेडिकल लिया जाता है। यानी साफ साफ कह दे कि आपको बिहार पुलिस के मेडिकल में छाटने का कोई इरादा नहीं रहता, मतलब नहीं छाटा जाता है कहीं भी। अभी तक मेरा भी मतलब मेडिकल हुआ है, हमारे जो जितने भी साथी लोग हैं बहुत जगह सब ज्वाइन किए हैं उन लोगों का भी है, कहीं से किसी को छाटा नहीं गया। यानी आप एकदम कंफर्म रहे आपको बिहार पुलिस के मेडिकल में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और रह गई बात चेक, मतलब क्या क्या देखा जाता है मेडिकल में, तो बताते हैं। देखिए, बिहार पुलिस का मेडिकल बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल होता है, उसमें कोई तरह का ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा ये होता है तनाव हो जाता है कि मेडिकल में कहीं छाट गए, क्योंकि आपका मेरिट बन चुका होता है, आप वहाँ पे कई दिन रह जाते हैं उसके बाद मेडिकल होता है। ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा कि मेडिकल में नहीं छाटा जाता है। अब रह गई चेक की बात, तो देखिए बिहार पुलिस का मेडिकल में एकदम नॉर्मली चेक होता है, मतलब ये हैंड हो गया, हाथ हो गया, ये सब देखा जाता है, टेढ़ तो नहीं है, मतलब टेढ़ा उढ़ा टूटा उटा तो नहीं है। ठीक है, ये दोनों हाथ देखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा नोकनी, मतलब ये जांग है जो सट तो नहीं रहा है, फ्लैट फुट देखा जाएगा, मतलब जो नीचे का है पैर तलवा वो पूरा चिकना तो नहीं ना, उभर रहना चाहिए, थोड़ा उठा रहना चाहिए, है ना, तो वो देखा जाएगा। उसके बाद हो गया कि आपका कलर ब्लाइंडनेस देखा जाएगा, यानी आपसे मान लिया जाए आप 5 मीटर की दूरी पर है और आप यहाँ पर है और 5 मीटर की दूरी पर आपको वहाँ पर लिखा रहेगा, मतलब ABCD कर लिखा रहेगा वहाँ, अब एक आँख बंद करके अब पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा शब्द है, ए है बी है, मतलब जो भी लिखा रहेगा वो देखना होता है। तो आराम से आप देख सकते हैं, ये सब देख चेक किया जाता है, एकदम नॉर्मली होता है, ये नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा जैसे आर्मी का मेडिकल होता है, SSC GD का होता है, उस तरह से नहीं लिया जाता, एकदम नॉर्मल लिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको मेडिकल में छाटना ही नहीं है। ठीक है, और रह गई बात कि मतलब बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि मेरा 5 उंगली की जगह 6 उंगली हो गया है, उसमें भी नहीं छाटा जाता है, बहुत लोग हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, अगर 6 भी उंगली है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कटा हुआ है कहीं पे, कि हाँ बहुत लोग सोचते हैं नाक पे कटा हुआ है, कहीं कान पे कटा हुआ है, हाथ में कटा हुआ है, तो वो भी वही, मतलब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए कि बिहार पुलिस के मेडिकल में आपको नहीं छाटा जाएगा। ठीक है, मतलब बता दिए कि यही सब चेक किया जाता है, बहुत ज़्यादा चेक नहीं किया जाता, एकदम नॉर्मली चेक किया जाता है। ठीक है, और ये भी होता है कि जिले के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हम लोग जहाँ ज्वाइन किए वहाँ इस तरह से चेक किया, कहीं अलग और भी थोड़ा अलग तरीके से चेक किया जाता है, लेकिन छाटने का कोई इरादा नहीं रहता। तो आप लोग एकदम कंफर्म रहे हैं कि बिहार पुलिस के मेडिकल में आपको नहीं छाटा जाएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, आपको अच्छी तरह से बता दिया कि आपको बिहार पुलिस के मेडिकल में नहीं छाटा जाएगा। चलिए तो बस इतना ही इस वीडियो में, और रिटर्न के बारे में बता देते हैं इस वीडियो में कि देखिए आप लोग रिटेन की तैयारी करें और साथ साथ फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है फिजिकल के लिए, और फिजिकल में समय भी लगता है। तो सिलेबस के बारे में पहले बता दिए थे, इससे पहले वाला वीडियो में बता दिए थे कि क्या क्या पढ़ना है। तो बिहार पुलिस के रिटेन के एग्ज़ाम में हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी हर सब्जेक्ट से, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GK और GS, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, उसके बाद पोल साइंस, उसके बाद जियोग्राफी, यानी सभी जगह से, करेंट अफेयर्स, विविध, मतलब पूरा पढ़ना होगा आपको बिहार पुलिस के लिए। तो आप
लुसेंट को पकड़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।